डिजिटली पेमेंट लेने के तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे फोन पे, अमेज़न पे, भारत पे एंड पेटीएम। इन सभी के ऑप्शन से मुझे गूगल पे सबसे बेहतर ऑप्शन लगा है, क्योंकि इसमें डिजिटली पेमेंट करने का बेहतर ऑप्शंस है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल पे बिजनेस का यूज़ कैसे किया जाता है और इसमें आप अपनी शॉप को डिजिटली ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, कस्टमर को आपको पेमेंट करने में सुविधा हो और कस्टमर का एक भी रुपया एक्स्ट्रा ना कटे। साथ ही साथ आपको ये बेनिफिट हो कि आपका जो भी बैलेंस हो वो सीधे आपके अकाउंट में जाए। सो आज की इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि गूगल पे बिजनेस कैसे क्रिएट किया जाता है और आपसे QR कोड कैसे घर मंगाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप प्ले स्टोर से गूगल पे फॉर बिजनेस इसे अब डाउनलोड कर लेंगे। चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए हम इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये हमसे कुछ परमिशंस मांगेगा जिससे हम अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ पे प्लस आइकन दिया हुआ है और लिखा हुआ है ऐड ए न्यू बिजनेस, हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एक रजिस्टर बिजनेस नेम दे देंगे। यहाँ पे हम अपने शॉप का नाम दे देंगे। शॉप का नेम आप जो देंगे वो कस्टमर आपको जब पेमेंट करेगा तो वही नाम उसे शो करेगा। यहाँ पे टाइप ऑफ बिजनेस शो कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपने बिजनेस ओनर का नाम डाल देंगे, जो भी आप नाम यहाँ पे देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक नाम डाल लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लोकेशन मांगेगा, जिसमें आप अपनी लोकेशन का पिन कोड दे सकते हैं, अपने शॉप नंबर और स्ट्रीट का नाम दे सकते हैं, एरिया विलेज दे सकते हैं। यहाँ पे पिन कोड इंटर कर लेंगे, यहाँ पे सिटी इंटर कर लेंगे और यहाँ पे स्टेट, और यहाँ पे कन्फर्म ऑन मैप पे क्लिक करेंगे। पॉइंटर को यहाँ पे लाने के बाद आप इसे कंफर्म लोकेशन करेंगे। तो कंफर्म लोकेशन होने के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देना है जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा जो कि ये अपने आप से डिटेक्ट कर लेगा और वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको एक अपना पैन कार्ड अपलोड करना होगा, साथ ही साथ में आपका यहाँ पे पैन कार्ड नंबर भी आपको देना पड़ेगा। पैन कार्ड अपलोड करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे कैमरे पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इसकी पिक ले सकते हैं, पैन कार्ड की फ़ोटो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप चूज इमेज करके आप गैलरी से भी इसे ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही आपके सामने बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड इंटर करना होगा। आप जिस भी अकाउंट में आप अपना बैलेंस लेना चाहते हैं, कस्टमर से पेमेंट लेना चाहते हैं, वो अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे उसका IFSC कोड इंटर करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही आपके सामने समरी आ जाएगी, जिसमें आपका डिस्प्ले नेम, रजिस्टर्ड नेम, बिजनेस टाइप, ओनर नेम, उसके बाद यूटिलिटी सर्विस और मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, सभी डिटेल्स, मतलब आपने जो भी फिल किया था वो सभी चीज़ आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपके सामने आपका गूगल बिजनेस अकाउंट बन चुका है। इसके बाद जब इसे आप ओपन करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, लेकिन आपका क्या है कि ये बिजनेस जो है अंडर रिव्यू में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद इसे फिर से ओपन करेंगे। इसके जब कुछ समय बाद आप इसे ओपन करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे अपना QR कोड देख सकते हैं। अभी कस्टमर आपको स्कैन करके पे करेगा तो आपको यही नाम शो करेगा। आप चाहे इसे शेयर पे क्लिक करके आप अपने WhatsApp पे भी शेयर कर सकते हैं। जब आप शेयर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, जो कि HD में है और बेहद ही खूबसूरत देखने में लग रहा है। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, सेटिंग में आप जाएंगे तो बिजनेस प्रोफाइल दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद आप इसमें अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं बैंक अकाउंट, तो आप यहां से बैंक अकाउंट भी चेंज कर सकते हैं। आप यहां से नेम, यहां से मोबाइल नंबर,
और यहाँ से अगर कुछ भी आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपना डिलीट अकाउंट करना चाहते हैं तो डिलीट बिजनेस प्रोफाइल, ये भी यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है या कस्टमर से पेमेंट लेने में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे कस्टमर केयर का सपोर्ट ले सकते हैं, जिसमें कस्टमर केयर सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप कस्टमर से यहाँ पे आप चैट कर सकते हैं, एटलीस्ट कॉल भी कर सकते हैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके। इसके साथ साथ ही आप यहाँ पे कस्टमर का बैलेंस चेक करना चाहते हैं, जैसे आप में कितना बैलेंस आया तो वो यहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका QR कोड वाला स्टैंड जो कि आपके घर पे आना चाहिए या आपकी शॉप पे आना चाहिए, तो आप यहां पे जो ऑप्शन दिया है योर फ्री प्रिंटेड QR कोड विल बी शिप्ड टू एड्रेस, नीचे आपको दिया गया है, यहां पे आप कंफर्म कर देंगे तो यहां पे आप अपना जो भी एड्रेस है आप यहां इसे कंफर्म कर लेंगे, और कंफर्म करने के बाद आप इसे देख लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे तो आपके शॉप पे या आपके घर पे ये जो QR कोड का स्टैंड है वो आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे कंफर्म एंड सेंड करेंगे तो ये सेंड हो जाएगा।